Hello student, in this lecture we want to study the chain isomerism. It is another type of a structural isomerism. So, what is the definition? That is the two or more compounds having same molecular formula. Two or more compounds shows same molecular formula, but differ in their chains of carbon atom, that is the one contain straight chain, that is the one contain straight chain or another contain branch chain, one contain straight chain या फिर अनदर कंटेंट ब्रांच चेन, दैट इज कॉल्ड ए चेन आइसोमर्स. द टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर चेन ऑफ ए कार्बन एटम्स, दैट इज द वन कंटेंट स्ट्रेट चेन बाई अनदर कंटेंट ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन और ए ब्रांच चेन. सच आइसोमर्स आर कॉल्ड ए चेन आइसोमर्स एंड द फेनोमेनॉन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म अब इसमें वन कंटेन स्ट्रेट चेन और अनदर कंटेन ब्रांच चेन, तो देखेंगे आप यहां पर एग्जांपल. जैसा फॉर एग्जांपल अल्केन लेंगे अपन. अब अल्केन सपोज हियर C5H12 लेंगे, तो उनके पहला एग्जांपल अगर समझो मीथेन लेंगे अपन, तो मीथेन इट हैज ओनली वन मॉलिक्यूलर या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. उसके बाद में इथेन C2H6 दैट इज कॉल्ड है, और उसके बाद में नेक्स्ट वन इज प्रोपेन C3H8 प्रोपेन, दे डू नॉट शो द चेन आइसोमेरिज्म. तो अब अल्केन अपन एक तो ब्यूटेन ले सकते हैं, चौथा दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन शो चेन आइसोमेरिज्म, पेंटेन एंड फॉरवर्ड दे शो द चेन आइसोमेरिज्म. अब पेंटेन लेंगे अपन यहां पर, तो एग्जांपल पेंटेन में पहले क्या लिखोगे, स्ट्रेट चेन, दैट इज दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 4 5. In this, all the carbon atoms present in a straight chain, so it is called a young pentane या फिर normal pentane. This is the type of a chain. If all the carbon atoms are in a straight chain, there is no further branch. Such compounds are called a normal या फिर it is called a young pentane normal chain. Second, a branch में दो type है. Branch में that is the second carbon atom या फिर लास्ट बट वन कार्बन एटम कंटेन मिथिल ग्रुप, देन दिस चेन इज कॉल्ड ए आइसो. तो इसका नाम होगा आइसो, या फिर ऐसा भी लिख सकते अपन CH3CH2CH3, यहां पर भी CH3. तो लास्ट बट वन यानी सेकंड कार्बन एटम कंटेन वन मिथिल ग्रुप, लास्ट बट वन कोई भी साइड से द लास्ट बट वन कार्बन एटम कंटेन वन मिथिल ग्रुप, फर्दर देर इज नो ब्रांच, आगे कोई भी ब्रांच ऑफ कार्बन एटम नहीं चाहिए. जैसा समझो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, दिस इज द स्ट्रेट चेन ऑफ ए कार्बन एटम, दिस सेकंड कार्बन एटम कंटेन वन मिथिल ग्रुप, फर्दर देर इज नो ब्रांच, सच इज कॉल्ड ए आइसो चेन. यहां पर अगर फिर से मिथिल ग्रुप अगर लगा दिया तो इट इज नॉट कॉल्ड ए आइसो, इसको मिथिल ग्रुप अगर लगा दिया तो इसको मिथिल आइसो चेन नहीं बोलेंगे. एक तो इस साइड से चाहिए सेकंड कार्बन एटम को, या फिर इस साइड से चाहिए सेकंड कार्बन एटम को, दैट इज कॉल्ड ए आइसो. इस वक्त क्या बोलेंगे इसको अपन, आइसो. क्लियर? तो आइसो का मतलब दैट इज द अल्केन कंटेन ए स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इन विच द सेकंड या फिर लास्ट बट वन कोई भी एम से कंटेन वन मिथिल ग्रुप, एंड फर्दर देर इज नो ब्रांच ऑफ अल्किल ग्रुप, कोई भी ब्रांच
नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए आइसो। तो ये दोनों कंपाउंड सेम होंगे। और तीसरा दैट इज लाइक दैट, हियर इट कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम कंटेन टू मिथिल ग्रुप, सेकंड कार्बन एटम कंटेन टू मिथिल ग्रुप, फर्दर देर इज नो ब्रांच, सच इज कॉल्ड ए न्यू पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यू चेन या फिर न्यू पेंटेन। क्लियर? दैट इज, तो ये होगी स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, या सेकंड कार्बन एटम कंटेन टू मिथिल ग्रुप, फर्दर देर इज नो ब्रांच, आगे कोई भी ब्रांच नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए न्यू चेन। इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यू चेन। या फिर इधर से लगाएंगे, अगर दोनों साइड से लगाएंगे तो इट इज नॉट कॉल्ड ए न्यू, इसको अपन न्यू नहीं बोलेंगे। कोई भी एक साइड में लास्ट बट वन कार्बन एटम कंटेन टू मिथिल ग्रुप, फर्दर देर इज नो ब्रांच, यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे अल्किल ग्रुप की ब्रांच नहीं चाहिए, देन इट इज कॉल्ड ए न्यू। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, न्यू। ऐसे अल्किल को क्या बोलते हैं, न्यू। क्लियर? तो यहाँ पर दिस पेंटेन दैट इज द C5H12 हैविंग थ्री आइसोमर्स, थ्री चेन आइसोमर, वन इज कॉल्ड यंग पेंटेन, अनदर वन इज कॉल्ड आइसो पेंटेन, थर्ड वन इज कॉल्ड ए न्यू पेंटेन। क्लियर? तो फिर से नॉर्मल मतलब कंटेनिंग स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, देर इज नो ब्रांच ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू द एनी वन कार्बन एटम। उसके बाद में आइसो पेंटेन दैट इज द सेकंड कार्बन एटम कंटेन वन मिथिल ग्रुप आइदर ऑन एनी साइड बट फर्दर देर इज नो ब्रांच ऑफ ए अल्किल ग्रुप। नियो में दैट इज द लास्ट बट वन सेकंड कार्बन एटम कंटेन कोई भी साइड से टू मिथिल ग्रुप, फर्दर देर इज नो ब्रांच, कोई भी एक साइड में चाहिए दो मिथिल ग्रुप, फर्दर देर इज नो ब्रांच, सच इज कॉल्ड ए न्यू चेन। तो ये हो गए तीन आइसोमर्स, दैट इज द आइसोमर्स ऑफ ए पेंटेन, नॉर्मल आइसो एंड न्यू, दीज आर कॉल्ड ए चेन आइसोमर्स। फाइंड आउट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, क्या है का फॉर्मूला, C4H10, C4H10। तो इसके आइसोमर कितने होते हैं ये फाइंड आउट करने का। क्लियर?